हेलो एवरीवन वन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो माय सेल्फ शिवांगी सिंह सो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से ठीक है इसके अंडर हम वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो भी रेलेवेंट होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ओके okay, एंड uh, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी जिसके अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इको सिस्टम कम्युनिटी स्ट्रक्चर इको सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इको सिस्टम बायोम आफ्टर दैट बायोम्स ऑन अर्थ एंड बायोस्फेयर सो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे एंड देखेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या होता है एंड ईजी लैंग्वेज में एकदम जानेंगे हम कि इन सब का मतलब क्या होता है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू एन एग्जाम टू रिकॉल ईच एंड एवरी थिंग ईजीली एंड ये सब के बारे में हम जानेंगे एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ये जो आगे वीडियोज़ आने वाली हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप सबके लिए ऑल फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ठीक है लाइक यू पी एस सी यू पी पी एस सी एस एस सी सी जी एल ओके and without any further delay let's start with the topic that is introduction to ecology so sabse pehle hum janenge ki ecology ka simply matlab kya hota hai theek hai ecology ek scientific study hai जिसके under uh, scientists uh, ये स्टडी करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वो किस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं एंड उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती है ठीक है एंड वो लोग इंटरैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ तो इसी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है जैसे एग्जाम में कभी भी जैसे इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं तो इकोलॉजी में कहीं भी आपको दिखे कि इंटरैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म इंट्रैक्शन वर्ड कहीं भी दिखे आपको तो उसका सिंपली मीनिंग है इकोलॉजी क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उनके जो इन्वायरमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ वो लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट में एंड वो कैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती हैं तो इसी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं ओके okay? एंड ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम द टू वर्ड्स दैट इज़ ओइकोस, विच इज़ द मीनिंग ऑफ होम एंड द लोगोस मीन्स स्टडी ओके सो जस्ट रिम्बर दैट नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी के बारे में ओके okay? यहाँ पर टोटल सिक्स लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के uh, ये हम देख लेते हैं फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल जिसका मतलब स्पीशीज़ भी होता है सो डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन दैम ओके इंडिविजुअल आए या फिर स्पीशीज़ आए ये दोनों सेम ही होते हैं एंड इससे ऊपर पॉपुलेशन आता है एंड देन कम्स कम्युनिटी आफ्टर दैट बायो एंड आफ्टर दैट इकोसिस्टम एंड द लास्ट वन इज़ बायोस्फेयर ठीक है एंड ये जो सिक्स लेवल्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं ठीक है जैसे कि सबसे कम इंडिविजुअल उससे ज़्यादा पॉपुलेशन उससे ज़्यादा कम्युनिटी एंड उससे ऊपर बायोम एंड देन द इकोसिस्टम एंड जो सबसे ह्यूज होता है वो होता है बायोस्फीयर ठीक है विच इज़ वाई वी यूजली स्टडी स्मॉलर डिविजन्स लाइक बायोम्स एंड इकोसिस्टम्स जिसका सिंपली मीन्स है हमें बायोस्फीयर जानने के लिए इन सब छोटे छोटे डिविजन्स के बारे में जानना ज़रूरी है जैसे कि बायोम इको क्या होता है जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल बायोस्फीयर का मतलब होता क्या है ओके okay? सो so, आगे हम जानेंगे कि बायोम्स के बारे में भी देखेंगे और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे एंड नेक्स्ट स्लाइड में आप अच्छे से देख सकते हैं एंड आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है ठीक है इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ़ एक ही ऑर्गेनिज्म हो जहाँ पर उसी इंडिविजुअल से हम डिनोट करते हैं नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हों ठीक है सेम स्पीशीज़ के यहाँ पर देख सकते हैं आप डिफरेंट स्पीशीज़ और कोई कम्युनिटी की नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ सेम स्पीशीज़ के हो तो उसे हम पॉपुलेशन से डराइव करते हैं एंड नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ होते हैं जहाँ पर एक साथ वो लोग रहते हैं तो उसे कम्युनिटी कहते हैं एंड इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं जहाँ पर ऑल लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वाल्व होते हैं ठीक है तो उसे इकोसिस्टम से डिराइव करते हैं हम आगे हम देखेंगे और डीप uh, में कि इन सबका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है ओके okay? एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे ये जो सिक्स लेवल ऑफ एकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका मीनिंग देखेंगे एंड डीप में जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है सो so दैट आगे जाके आपको कन्फ्यूजन ना हो पॉपुलेशन और कम्यूनिटी कि इनमें डिफ्रेंस क्या क्या होता है ओके ना फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिज़म जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल और स्पीशीज़ भी सो डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन देम ठीक है ऑर्गेनिज़म माने वन uh, इंडिविजुअल ओनली ठीक है जहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल हो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो उसे हम ऑर्गेनिज्म से डिराइव करेंगे दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ओके एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ हो लिविंग इन द सेम एरिया तो उसी का मतलब होता है पॉपुलेशन ठीक है पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंट पॉपुलेशन या इस्पीज़ नहीं आएगी सिर्फ सेम स्पीशीज़ ही आएंगी ओके सो डोंट कन्फ्यूज़ इन दिस एंड नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी कम्युनिटी में होता है डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम एरिया ठीक है तो उसे ही हम कम्युनिटी बोलते हैं एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ इको सिस्टम ठीक है जहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन एरिया तो उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं लाइक वाटर टेम्परेचर हीमिडिटी ये सारी चीज़ें एयर ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग फैक्टर्स होती हैं एंड जहाँ पर दोनों ही अवेलेबल हों लिविंग प्लस नॉन लिविंग फैक्टर्स तो उसे हम इको सिस्टम से डिराइव करते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट वन इज़ बायोम जहाँ पे ग्रुप ऑफ इको सिस्टम विद द सेम क्लाइमेट एंड सिमिलर कम्यूनिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो उसी एरिया को हम बायोम कहते हैं ठीक है एंड द लास्ट वन इज़ बायोस्फेयर ऑल एरिया ऑन द अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है जहाँ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उस एरिया को उन सारे एरिया को बायोस्फीयर कहते हैं ओके एंड ये जो सारे सिक्स लेवल्स हैं ये ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे हमेशा ओके सो जस्ट रिमेंबर दैट नाउ इन अ नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओके मतलब ऑर्गेनिज्म आपने देख लिया एंड पॉपुलेशन के बारे में आपने अच्छे से जान लिया एंड नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी ठीक है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे पहले हमने जाना था कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है कम्युनिटी का एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए जैसे कि एक ग्रास कम्युनिटी होती है जो कि डोमिनेटेड होती है बाय द ग्रासेस से ठीक है ग्रास में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी होती हैं लाइक हर्ब्स श्रब्स ट्रीज अलॉन्ग विद एसोसिएटेड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ओके तो उसे ही हम कम्युनिटी बोलते हैं एंड ये जो कम्युनिटी इस्ट्रक्चर है ये क्या चीज़ है एकोलॉजिस्ट ने थ्री कैरेक्टर स्टिक्स यूज़ करके बायोलॉजिकल कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया है जिसमें आती हैं थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इस्ट्रक्चर दैट इज़ फिज़िकल अपरेंस स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड नीच स्ट्रक्चर ये तीनों को मिलाकर कम्युनिटी स्ट्रक्चर बना है ठीक है इसीलिए एकोलॉजिस्ट ने ये तीन कैरेक्टरस्टिक्स को डिस्क्राइब किया है सो so, फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल अपेयरेंस क्या होता है इसके अंडर थ्री लेवल्स होते हैं वो हैं साइज स्ट्रेडिफिकेशन मीन्स लेवल्स एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पीशीज़ साइजेस मीन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस जो होते हैं एनिमल्स के एंड उनका अपियरेंस कैसे होता है एंड प्लांट्स के कितने कितने कैसे कैसे साइजेस होते हैं ठीक है उनका नेम्स ये सब uh, देखा जाता है एंड स्ट्रेटिफिकेशन वो चीज़ होती है जैसे कि प्लांट्स में स्ट्रेटिफिकेशन होता है लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स नेम्स होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक कॉर्नीफरस फॉरेस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट डेजर्ट में अलग होते हैं थॉर्स फॉरेस्ट एंड ये सारे जितने भी टाइप्स होते हैं लेवल्स होते हैं प्लांट्स के मतलब इक्वेटर टू पोलर में जो भी प्लांट्स आते हैं उन्हें स्ट्रेडिफिकेशन कहते हैं वो एक लेवल्स में डिवाइड होते हैं ठीक है उसे ही स्ट्रेडिफिकेशन कहते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पीशीज जिसका सिंपली मीन्स है कि जो भी एनिमल्स होते हैं एंड जो भी ट्रीज़ होते हैं उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो हाईली डिपेंडेंट होती हैं क्लाइमेट्स पर ठीक है उनकी सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट मैटर्स करती है कि वो कौन से एरिया में सरवाइव कर सकते हैं तो इसीलिए वो लोग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्लाइमेट्स में जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं तो इसी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पीशीज़ ओके नेक्स्ट है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इसमें हम पता करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं ठीक है एंड इसके अंडर टू कंपोनेंट्स आते हैं एक है स्पीशीज़ रिचनेस एंड सेकेंड है स्पीशीज़ अबंडेंस स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ठीक है एक एरिए में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रजेंट हैं एंड स्पीशीज़ अबंडेंस का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर स्पीशीज़ कम्युनिटी में प्रेजेंट है ये जाना जाता है स्पीशीज़ अबंडेंस में ठीक है तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है स्पीशीज़ रिचनेस वो होता है जिसमें कि ये पता लगाया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ प्रेजेंट है वहीं स्पीशीज़ अबंडेंस में ये पता लगाया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं कम्युनिटी में ठीक है सो जस्ट रिमेंबर दैट ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ नीच स्ट्रक्चर ये सिंपली डिफाइन करता है रोल एंड पोजिशन ऑफ एनी स्पीशीज़ विच हैज़ इन इट्स एन्वायरमेंट ठीक है रोल एंड पोजिशन या फिर फंक्शंस डिफाइन करता है किसी भी स्पीशीज़ का जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी एक स्पीशीज़ है वो कैसे अपनी नीड पूरी करते हैं अपनी फूड के लिए अपने शेल्टर के लिए हाउ दे सर्वाइव एंड हाउ दे रिप्रोड्यूस ठीक है ये सारे जो फंक्शंस होते हैं किसी भी स्पीशीज़ के या फिर एनिमल्स के

इको सिस्टम बनाते हैं मतलब ऑल दी पॉपुलेशंस लिविंग एंड इंटरैक्टिंग विद इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया मेक अप अ बायोलॉजिकल और द बायोटिक कम्युनिटी ठीक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग और द एबायोटिक एनवायरनमेंट मेक अप एन सिस्टम जिसका सिंपली मीन्स है जो जितने भी पॉपुलेशन होते हैं लिविंग बीग्स ठीक है एंड जब वो इंटरैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया से एंड अपनी जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जब वो लोग ए बायोटिक एंड द बायोटिक कम्युनिटी से तो उसी को हम इको कहते हैं एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं एक कम्युनिटी में टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग ठीक है इन्वायरमेंट uh, के साथ वो लोग बनाते हैं इको सो कीप इन माइंड दैट ओके नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इको सिस्टम दे आर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ इको सिस्टम ओपन इको सिस्टम एंड क्लोज इको सिस्टम ओके ओपन इको सिस्टम क्या होता है ओपन इको सिस्टम एक्सचेंज करता है बोथ एनर्जी एंड मैटर को अपने सराउंडिंग के साथ यानी कि एनवायरमेंट्स के साथ ठीक है ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं ओपन इको सिस्टम को ग्रो करने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए नेचुरल इको सिस्टम ओके नेचुरल इको सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या होते हैं लाइक माउंटेंस रिवर्स फॉरेस्ट ठीक है like rivers, forest, ये सारे एग्जाम्पल हैं नेचुरल इको सिस्टम जिसका मतलब है कि कोई भी इको सिस्टम में जो कि नेचुरली अकर होते हैं एंड कैन सर्वाइव विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन बींग्स उसे कहते हैं हम नेचुरल इको सिस्टम जहाँ पर जैसे कि हम घर में अपने प्लांट्स लगाते हैं ठीक है और उसको ज़रूरत होती है पानी वगैरह की तो ह्यूमन बींग्स ही देखते हैं वो चीज़ें ठीक है तो वो तो हो गया हमारा क्लोज इको सिस्टम बट ओपन इको सिस्टम में जहाँ पे पूरी चीज़ें अपने आप मिले विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन बींग्स ठीक है और वो नेचुरली अकर हो एंड सर्वाइव कर सकते हैं उसे ही कहते हैं नेचुरल इको सिस्टम एंड इसे ही कहते हैं हम ओपन इको सिस्टम ठीक है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों एनर्जी एंड मैटर एंड वो अपने आप ही सर्वाइव कर सकें एंड इसका एक और एग्जाम्पल है एनर्जी कैन एंटर दस सिस्टम इन द लाइट ऑफ सन लाइट एंड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक है यहाँ से एक चीज़ आती है एंड दूसरी चीज़ जाती है जैसे कि सन सन की रेज जो आती हैं उससे हमें हीट मिलती है एंड जैसे ही वो सॉइल पर पड़ती है तो वो सॉइल क्या हो जाती हीट हो जाती है ठीक है अब जब वो सॉइल हीट होगी तो उसके अंडर से क्या आ, क्या निकलेगी हीट निकलेगी ठीक है गर्मी निकलेगी तो वो अब वापस जा रही है तो ये क्या हो रही है एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे से जैसे कि सन से हमें रेज़ मिलती है एंड जब रेज़ आती है एंड वो सॉइल पे पड़ती है और सॉइल से फिर क्या जनरेट होती है हीट निकलती है उसमें से ठीक है तो एक तरफ से आती है एंड दूसरी तरफ से जाती है तो दिस इज़ एन इको सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग्स ओके इसी को हम ओपन सिस्टम कहते हैं वहीं क्लोज इको सिस्टम में क्या होता है इट एक्सचेंजेस एनर्जी बट डू नॉट रिलाई ऑन मैटर जिसका सिंपली मीन्स है एक क्लोज इको सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी ज़रूरी है ये कभी भी मैटर पर रिलाई नहीं करता है मैटर सिंपली मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि किसी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए प्लांट हो गया लिविंग थिंग्स एंड उसको सर्वाइव करने के लिए मैटर की ज़रूरत होती है लाइक बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक यहाँ पे लिविंग थिंग्स हो गया एनिमल्स या फिर प्लांट्स उनको सर्वाइव करने के लिए एयर न्यूट्रिएंट एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो मैटर उसी को कहते हैं ठीक है बट यहाँ पे क्लोज इको को सिर्फ रिलाई होता है वो एनर्जी पर ठीक है ना कि मैटर पर यही उल्टा है ओपन इकोसिस्टम में बोथ एनर्जी एंड मैटर दोनों ज़रूरी होते हैं सर्वाइव करने के लिए एंड क्लोज इको में सिर्फ ज़रूरी होती है एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी की ठीक है ना कि मैटर की सर्वाइव करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मीजोकॉज्म एक जैसे कि बॉटल में हम एक एन्वायरमेंट बनाते हैं ठीक है वहाँ पे उसी में मिट्टी डालते हैं सॉयल डालते हैं प्लांट्स यानी कि सीड्स डालते हैं और वो जब अंदर ही अंदर ग्रो करता है उस बॉटल में क्योंकि वो अंडर कंट्रोल हो होता है ह्यूमन बींग्स के ठीक है तो जब वो अंदर बॉटल uh, के अंडर एनवायरमेंट बनेगा उसमें सीड ग्रो होगा प्लांट बनेगा तो उसी को हम क्लोज इकोसिस्टम कहते हैं एंड इसका एक और एग्जांपल है वो है अर्थ एंड अर्थ एक क्लोज सिस्टम है क्योंकि एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंटर्स करती है Uh, अर्थ में ठीक है उसी की वजह से प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं तो वो एक क्लोज इकोसिस्टम है तो जस्ट रिमेंबर एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर दोनों इन एंड आउट हो रही हैं एंड क्लोज इकोसिस्टम में सिर्फ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंटर कर रही है अर्थ में बट कोई मैटर ट्रांसफर आउट नहीं हो रहा है अर्थ से ओके सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड नेक्स्ट वन इज़ बायोम बायोम का मतलब है अर्थ के रीजन जिन्हें वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स एंड एन एनिमल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है टेम्परेचर सॉइल वाटर एंड अमाउंट ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की लाइफ एग्जिस्ट करेगी बायोम में बायोम इको से अलग होते हैं एक जो इन्वायरमेंट होता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इंटरेक्शन होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट में उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं वहीं जो बायोम होता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया होता है स्पीशीज के लिए जो वहाँ रहती हैं एक बायोम कई इकोसिस्टम भी कंटेन कर सकता है इसीलिए बायोम्स को एक ब्रॉड वे में सिक्स टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है जो हैं फॉरेस्ट ग्रास लैंड मरीन वाटर फ्रेश वाटर डेजर्ट एंड ट्रा इन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट डेजर्ट ग्रास लैंड डेसीडियस फॉरेस्ट कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट टंड्रा एश्वरी सवाना एंड टाइगर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के बायोम्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं अर्थ पर ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से स्टार्ट होगा दैट इज़ फ्रॉम इक्वेटर ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल में इंक्लूड होते हैं रेन फॉरेस्ट सवाना डेजर्ट एंड इन द टेम्परेट रीजन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड टेम्परेट क्रासलैंड लैंड एंड द डेजर्ट एंड उससे ऊपर जब हम सब पोलर रीजन में जाएंगे यानी कि सब आर्कटिक में जाएंगे तो वहाँ पे फाउंड करेंगे हम टाइगर फॉरेस्ट ठीक है एंड द आर्कटिक में यानी कि पोलर पे टंड्रा फाउंड किया जाएगा यानी कि नीचे से लेके ऊपर जाएंगे हम यानी कि इक्वेटर से पोलर के टूवर्स जाएंगे तो वो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा बट जब हम ईस्टर्न से वेस्टर्न uh, के टूवर्स जाएंगे तो वो डिक्रीज इन मॉइस्चर होगा यानी कि वेट टू ड्राइव ओके सो यही है बायोम्स ऑन अर्थ सो जस्ट कीप इन माइंड दैट नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोस्फेयर एंड दिस इज आर लास्ट स्लाइड बायोस्फेयर आप सभी को पता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है किसी भी पार्ट में उसे ही बायोस्फेयर कहते हैं एंड बायोस्फेयर को एक और टर्म में जाना जाता है जिसे कहते हैं इकोस्फेयर सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोस्फीयर ठीक है बायोस्फेयर बनी है तीन जोन से मिलकर दैट इज लिथोसफेयर जिसे हम सॉइल भी कहते हैं हाइड्रोस्फेयर जिसे हम वाटर भी कहते हैं एंड एटमोसफेयर ओके okay? बायोस्फेयर इंक्लूड्स द लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं ये थ्री जोन्स में डिवाइडेड हैं दैट इज़ फर्स्ट वन इज एटमोसफेयर सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फेयर एंड द थर्ड वन इज लिथोस्फेयर दैट इज सोइल ओके ये तीनों से ही मिलकर हमारा बायोस्फेयर बनता है एंड यहाँ तीन तीनों में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है तीनों जगह पर सो जस्ट रिमेंबर दैट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ अ टॉपिक आई होप आप सबको अच्छा लगा हो एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल ठीक है एंड ताकि आपके लिए और भी आ, ऐसे ही लेक्चर आते रहें एंड ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहे एंड सो so, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव एट आ थम्स अप एंड आल्सो इन द नेक्स्ट वन टिल दन ब बाय टेक केयर एंड स्टडी वेल